जो किसान है देश का, खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना, क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। उसके ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाई जाए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दीजिए, अगर आपने मांगे नहीं मांगनी है या फिर हमारी मांगे मान लीजिए। और जहाँ तक मांगों का सवाल है तो हर मांग पे ऊपर लंबी चर्चा हुई, MSP के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बने, और सरकार का कहना भी एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा, और इसलिए वो अपने तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो। तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा। तो हम सभी को कहना चाहते हैं कि देश के किसान खेत मजदूर हैं, MSP खरीद की गारंटी का कानून यह अकेले पंजाब अथवा हरियाणा का सवाल नहीं है। यहाँ तो कुछ फसलों पे खरीद हो रही है, पर जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्य हैं देश के, जहाँ पर बहुत किसानों की बुरी हालत है, तो पूरे देश को इन दो सूबों से अलावा भी ज़्यादा MSP खरीद गारंटी कानून की ज़रूरत है। और ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर का आंदोलन है, जैसे किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला मोर्चा है जिसमें 100 सब यूनियंस हैं, इसी तरह से SKM नॉन पॉलिटिकल है जिसमें 100 सब यूनियन है, दो बड़े फॉर्म काम कर रहे हैं और पूरे देश भर के संगठन इनके साथ है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता अनुचित है, जो हम तो आज भी कहते हैं कि जो भी मोदी जी के वोटर हैं सपोर्टर हैं, देखिए वो मोदी जी को वोट करें, हमें कोई इतराज नहीं, हमारा किसी सियासत से संबंध नहीं है, लेकिन इन मांगों के ऊपर जो किसान है देश का, खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना, क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। एक तो है पुष्टि वाली खबरें जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में दाखिल हुए, अब 54 गंभीर इंजरी हमने कल थोड़ा मालूम किया था, वैसे ओवरऑल 400 के नियर अबाउट जो है वो इंजरीज है, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये लगातार इतनी हैवी शेलिंग की जा रही है, तो हमने इसीलिए कल मीटिंग में ज़्यादातर इन बातों को उठाया है, और हम फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री जी अपील करेंगे कि जब अब दोबारा वार्ता जब होगी तो कृपया इन मसलों का हम चाहेंगे भी सुखद हल हो जाए, और या फिर हमें डेमोक्रेटिक तरीके से संविधानिक ढंग से अपना जो बात रखने का मौका दिया जाए। तो किसानों के नुमाइंदे थे वो 14 के करीब हमारा डेपुटेशन था, जिन्हों दोनों फॉर्मों के बड़े लीडर उसमें बैठक में थे, सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री थे और पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के DGP और केंद्र के बड़े अधिकारी और सभी उसमें बैठे हुए थे। तो सभी ने, और जो आगे जो रविवार को मीटिंग का फैसला किया गया, अभी वार्ता जारी है, उसमें भी यही सब जो मंत्री महोदय होंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी होंगे। अन्य बातों पर उन्होंने बात की, कल हमने जब पूरा जोर दिया तो पंजाब के DGP और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द से जल्द आपके ट्विटर हैंडल और जो पेज बंद किए चलाएंगे, और जिस तरह से आप पंजाब में भी, जैसे आप देखें पटियाला में जो जहां दो प्रोटेस्टर हैं जिले, उन्हों पर नेट बंद करने का केंद्र ने निर्णय लिया, तो पंजाब सरकार ने भी कहा और मीटिंग में भी कहा कि ये जो नेट बंद किए इसको बहाल किया जाएगा। जैसे पीयूष गोयल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, नित्यानंद रॉय जी हैं, ये 3 बड़े मंत्री थे केंद्र के। और आपकी जथेबंदी किन किन स्टेट से बैठे हुए थे जो बीच में? हाँ देखिए, जो कल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नहीं कर्नाटका,
तो इन सब राज्यों के जो किसान लीडर्स थे वो बैठे थे कल की मीटिंग में।